दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टायर का रंग काला क्यों होता है? अक्सर गाड़ियों में हम देखते हैं कि उसके टायर का रंग काला होता है। और कलर के टायर क्यों नहीं बनाए जाते हैं? लाल, पीला रंग, बहुत सारे कलर हैं, उस कलर के टायर क्यों नहीं बनाए जाते हैं? सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि दोस्तों, रबड़ का प्राकृतिक रंग होता है दूधिया सफ़ेद, फिर भी हम जो काला रंग देखते हैं उसका क्या कारण होता है? गाड़ी पर काले टायरों का मुख्य कारण होता है रासायनिक यौगिक कार्बन ब्लैक। इसका उपयोग एक स्थिर रासायनिक के रूप में किया जाता है जो कि एक टायर के चलने वाले यौगिक को बनाने के लिए अन्य पॉलीमर के साथ संयुक्त होता है। एक बार रबड़ के साथ जुड़ने के बाद कार्बन ब्लैक टायर की ताकत और अस्थायित्व को बढ़ाता है, जिसे टायर निर्माताओं और कार चालकों के लिए एक वांछनीय विशेषता के रूप में देखा जाता है। क्या आपको इसके पहले से ये जानकारी पता थी? आप लोग कमेंट से बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।